एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर. हियर इज वन फिगर स्क्वायर एंड अदर फिगर इज रेक्टेंगल. हियर साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर. ब्रेथ इज नॉट गिवन. अगेन यू सी इन योर क्वेश्चन गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. माइंड इट, हियर इज गिवन सेम पेरीमीटर. सो फर्स्ट स्टेप इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड. एट द प्लेस ऑफ इक्वल यू राइट हियर इक्वल. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2l + b. 2 reduced by 4 at 2 times. Here 2 into what is the value of side of square? 60 equal L. What is the value of L? 80 meter plus B. Now 80 plus B is equal to 120. 6 2s are 12 and 1 0 is here. Therefore B is equal to 120 minus 80, that is 40 meter. Now question wants another answer. Which field has larger area? So we want to find area of both figure. Area of square is equal to side into side. Side of square is 60 multiply 60, that is 3600 meter square. And area of rectangle equal to L into B. Length of rectangle is 80 meter. Here 80 meter. And breadth of rectangle we find here 40 meter. So what is the value of 8 4s are 32 and 2 0 is placed at this place. And unit of area is meter square. Comparing both area, we get area of square. Yes, square is LARZER. Answer. Now, बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये हमारे प्रिय मित्र श्री राजमणि सर के सहयोग से ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को, जो नीडेड आपके फ्रेंड्स हों उनको आप शेयर करिए. ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. ओके, थैंक यू.